यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं जा रही हूँ आज चकरभाटा शॉपिंग करने के लिए निशा मैडम के साथ। तो दोनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वो बोली कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तो आप जाओगे क्या। तो मैं बोली मैं तो कभी गई नहीं हूँ, देख लेती हूँ। वहाँ काफ़ी सुनी हूँ कि कम प्राइस में मिलते हैं कपड़े वगैरह और अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, तो चलो इस बहाने मैं भी देख लूँगी। तो स्कूटी में हम दोनों गए थे वहाँ तक। तो हम दोनों रास्ता भी नहीं देखे थे वहाँ का, तो पूछ के हम लोग वहाँ तक गए, क्योंकि उतने दूर कभी जाना होता है नहीं। आसपास में इतने सारे शॉप्स खुल गए हैं कि वहीं से सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो जाने को ज़रूरत ही नहीं पड़ा कभी। तो हम लोग पहले पेट्रोल भराए, क्योंकि पेट्रोल कम था स्कूटी में, उनकी बुआ का स्कूटी था। फिर बहुत धूप लग रहा था क्योंकि हाईवे पड़ रहा था, तो सोचे पानी पी लेते रास्ते में, तो पानी पिए। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉप जाते ही इतना कंफ्यूज हो गए थे हम लोग कि कौन सा ले कौन सा नहीं। मैं तो चूज़ भी कर ली थी, निशा मैम को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं बोली जो पसंद आ रहा है उसी को लो, ज़बरदस्ती नहीं लेने के लिए। मैडम जी थक गई शॉपिंग कर कर, सब बताए वो आएगा क्या उसमें। उसके बाद कुछ टी शर्ट्स हैं जो मैम देख रही थी, तो एक टी शर्ट मैम ली है और एक जीन्स ली थी वहाँ। उसके बाद वापस हम लोग शॉपिंग करके पेमेंट करने के बाद जब वापस उतरे तो देखे वहाँ का नज़ारा ही अलग था। इतना भीड़ कभी कोई दुकान में हम देखे नहीं है जितना वहाँ था। हर जगह कपड़े और पूरे बंडल में सब लेके जा रहे हैं। इतना धूप पड़ रहा है तो हम लोग शॉप से निकल गए हैं। अब सोच रहे हैं दूसरे शॉप में जाएंगे। लेने में कुछ और आई थी लेकिन लेके कुछ और जा रही हूँ। तो हमारी निशा मैडम को अभी सैंडल लेना है, अब सैंडल लेने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं और कुछ अगर सामने मिल गया तो। उससे भूख लग रहा है, सोच रही गुपचुप खाऊँगी। ये वाली जिसमें हम लोग गए थे अभी लेने के लिए। चलो चलो देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। सुनो ना, तुम सैंडल शॉप पहुंच गए। अब वहाँ मैम देख रही थी कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे थे सब हम लोग। और मैम को क्या साइज़ का मिल रहा था लेकिन फिटिंग नहीं आ रहा था, तो फिर एक फाइनली मैम ली। लोग वापस फिर घर के लिए निकल गए क्योंकि बहुत दूर था वहाँ से घर भी। उसके बाद भूख कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर रास्ते में गुपचुप ठेला दिखा, वहीं हम लोग गुपचुप खाए। उसके बाद खाने के बाद घर के लिए निकल गए। मैं घर पहुँच चुकी हूँ, काफ़ी थक गई। बहुत टाइम हो गया आते, बहुत टाइम पहले से हम लोग गए थे। मैं 2 बजे निकली थी और अभी पहुँची हूँ। अभी कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। शॉपिंग में ही इतना टाइम हो गया। मैं लेने कुछ और गई थी लेकिन लेके कुछ और आ गई। सोची थी कि सूट पीस वगैरह लूँगी लेकिन कहाँ शर्ट्स वगैरह लेके आएंगी मैं। अब सोच रही हूँ फिर कभी बाद में जाएंगे तो उसका सूट पीस वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं सोची देख लूँ पहले कैसा है एरिया चकरभाटा। तो एक ही दुकान है जहाँ पर का मैं वीडियो बनाई हूँ, वही सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी दुकान में उतना कोई नहीं जाते। फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग एंटर किया, इसलिए हम लोग कहाँ आ गए, इतना भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। सूट और कॉर्नर का मतलब किस रास्ता ही नहीं पता चल रहा था किधर जाना है करके। तो शादियों का सीज़न चल रहा है तो सब साड़ी वगैरह लेके जा रहे हैं जो देते हैं शादियों में, इस कारण से। अभी मैं खा रही हूँ दाबेली। पता नहीं कौन लाया था, घर में था पापा या फिर नमन लाए होंगी, बाहर गए थे। तो इतना ज़्यादा तीखा है, बहुत ज़्यादा। मेरा आँख एकदम ऐसे खुल जा रहा है, लेकिन तो भी खाना है। बोलते हैं ना फास्ट फूड बाहर का सबको पसंद रहता है, भले घर में तीखा थोड़ा सा होगा कोई नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन बाहर में कितना भी तीखा रहे, चाहे नाक बहे चाहे आंसू निकले, खाना है तो खाना है। वैसे मेरे को गुपचुप खाने का इतना इच्छा हो रहा था। एग्ज़ाम चला करके इतने दिन से मैं खा रही थी, टाल रही थी। और जब खाने का मन हुआ तो हमारे मोहल्ले वाले जो भैया हैं, 1 हफ्ता हो गया आने के हैं, और मेरे को सिर्फ वहीं का पसंद है गुपचुप, एकदम साफ़ सफाई से। और जो आलू का मसाला उसमें रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, बाकी जगह का उतना मज़ा नहीं आता। अगर तरस जा रही हूँ कब आएँगे पता नहीं। तो ना अभी हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ रास्ते में गुपचुप खाई, तब मेरा मन एकदम शांत लग रहा है। दिन भर जहाँ गुपचुप देख रही थी बस लालच आ रहा था। तो गुपचुप खाए, गन्ना रस पिए हैं और फिर सीधा मैं घर के लिए वापस आई हूँ। तो अभी साढ़े 7 हो रहा है, तो अब खाना बनाने की तैयारी करना है। तो आज को ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।